प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आपको हम ये बताएंगे कि जब आप कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं, चाहे वे संख्याएं दो हो, चाहे चार हो, चाहे पचास हो, और चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो, चाहे कितनी छोटी संख्या, तो उनके जोड़ने के बाद जो हमारे लिए योगफल प्राप्त होता है, उस योगफल में इकाई का अंक कितना होता है। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः SSC की परीक्षा में, कॉम्पिटिशन की परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे लिए 51 प्लस 73 प्लस 504 प्लस 3578 इसका जोड़कर जो हमारा योगफल प्राप्त होगा, उस योगफल के अंतर्गत इकाई का अंक कितना होगा, यह हमें ज्ञात है। तो इसमें ऐसा करते हैं हम कि प्रत्येक संख्या के इकाई का अंक लिख लेते हैं। 51 का इकाई का अंक 1, 73 के इकाई का अंक 3, 504 के इकाई का अंक 4 और 3578 के इकाई का अंक 8। ये अंक ले लिए हमने 1, 3, 4 और 8। इन अंकों को आप जोड़ लीजिए, तो इन अंकों को जोड़ने के बाद आपको हल प्राप्त होता है 1 और 3 4 और 4 8 और 8 16। क्लियर? अब इस अंकों इकाई के अंक को जोड़ने के बाद आपको हल प्राप्त हुआ 16। तो अब इसमें इकाई का कितना है? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन चारों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो इकाई का अंक 6 ही होगा। तो लिखेंगे में इकाई का अंक बराबर 6। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए हमारे लिए 500 304 प्लस 8175 प्लस 84 प्लस 51377 इसको जोड़ना है, और इसके जोड़ करने के बाद जो हमारे लिए योगफल प्राप्त होगा, उस योगफल के अंतर्गत इकाई का अंक कितना होगा, ये ज्ञात करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या आपकी कितनी है 500, इसमें इकाई का अंक 0 है। दूसरी संख्या आपकी है 304, इसमें इकाई का अंक आपका 4 है। तीसरी संख्या आपकी है 8175, इसमें इकाई का अंक है 5। और अगली संख्या आपकी है 84, इसमें इकाई का अंक है 4। और उससे अगली संख्या है 51377, इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। इनको आप जोड़ दीजिए, 0, 4, 5, 4 और 7। 0 ये वाले ले लिए हमने, 4 ये वाले ले लिए हमने, 5 ये वाले इकाई का अंक ले लिया, 4 ये वाले इकाई का अंक ले लिया और 7 ये वाला इकाई का अंक ले लिया। प्रत्येक संख्या का, जिन संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उसमें जो इकाई का अंक है, उन अंकों को ले लिया हमने। अब फिर हम इन सभी अंकों का जोड़ ज्ञात करते हैं। 0, 0 और 4 का जोड़ आएगा 4, 4 और 5 का जोड़ आएगा 9, 9 और 4 जोड़ेगा 9 और 4 को जोड़ेंगे तो योग प्राप्त होगा 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो योग प्राप्त होगा 20। तो आपको फल प्राप्त होगा 20, और इस 20 में इकाई का अंक कितना है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ इस योगफल के अंतर्गत जो आपके लिए संख्या प्राप्त होगी, योग इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के बाद, उसमें इकाई का अंक 0 होगा। तो लिखेंगे में इकाई का अंक बराबर 0। इस प्रकार से आपकी कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी छोटी हो,
और कितनी भी संख्याएं हों, आप उनको जोड़ के उनके इकाई के अंक को जोड़कर उसका इकाई के अंकों का जोड़ जो आए योगफल जो आए उसके इकाई का अंक जो हो वही आपकी दी गई संख्याओं के योगफल पे इकाई का अंक होगा। अब इसको थोड़ा और सुगम बनाने के लिए एक उदाहरण में आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ा तो मुझे इन सभी संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता इस प्रकार से नहीं थी, मैं दूसरे प्रकार से जोड़ के भी इसका जोड़ जीरो मतलब इकाई का जीरो आ सकता था। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपको जोड़ना है 73 + 504 + 3678 + 3082 + 81375 + 67 इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जो हमारे लिए एक योगफल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा ये हमें क्या करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या में इकाई का अंक 3 है, दूसरी वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है, तीसरी वाली संख्या में इकाई का अंक 8 है और अगली संख्या में इकाई का अंक 2 है और उससे अगली संख्या जो है उसकी इकाई का अंक 5 है और उससे अगली संख्या जो है उसकी इकाई का अंक 7 है। तो इन सभी इकाई के अंक जो है इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 3 हमने ये लिखे, ये वाले 4 हमने ये लिखी है, 8 हमने ये लिखी है और 8 के बाद 2 हमने ये वाले लिख लिए और 5 हमने ये वाले लिख लिए और 7 हमने इसका इकाई अंक लिख लिया। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी संख्याएं हैं जिनका योगफल आपको प्राप्त करने के बाद योगफल आएगा उसमें इकाई का अंक और होगा। तो इन सभी 6 संख्याओं की इकाई का अंक हमने लेकर उनको जोड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 एक संख्या थी उनमें से इकाई के अंकों को हम इसको जोड़ रहे हैं। देखिए इनका जोड़ आया 3, 4, 7, 8 15, इसका जोड़ 15 आया, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, आगे मत जोड़िए इसके लिए। आप जब जोड़ 10 या 10 से ज्यादा आ जाए तभी जोड़ को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। आप फिर इन्हें जोड़ लीजिए 2, 5, 7, 7, 14 14 ही आ गया। अब इस जोड़ के अंदर इकाई का अंक आया 5 और इस जोड़ के अंदर इकाई का अंक आया 4, तो इन 5 और 4 को जोड़ लीजिए अब आप, तो ये आपका आ गया 9। तो लिख देंगे में इकाई का अंक बराबर 9। इससे लाभ आपको यह होगा कि आगे जो है जैसे 15 में हम पहले जो 2 जोड़ते फिर 17 आते, 17 में 5 जोड़ते फिर 22 आते, फिर 22 में 7 जोड़ते तो 29 आते, तो इस प्रकार से जोड़ बड़ा होता चला जाता तो उसको आपको जोड़ने में जरा ज्यादा समय लगता और थोड़ा गलत भी हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, जब जोड़ 10 या 10 से अधिक आ जाए तब उसको अलग यहां पर लिख दीजिए और उसके बाद आगे आप बढ़ जाइए आगे संख्याओं को जोड़ लीजिए और फिर 10 से 10 से ज्यादा आ जाए फिर आप उसको छोड़ दीजिए और फिर उसके आगे दे दीजिए। और इस प्रकार से जब सभी इकाई के अंकों का जोड़ा प्राप्त हो जाए फिर जो आपको जोड़ आपने छोड़े थे उन जोड़ों में जो इकाई का अंक है उनको जोड़ लीजिए, फिर उसमें जो इकाई का अंक होगा वही दी गई संख्याओं के योग में इकाई का अंक। इस प्रकार से ये बहुत ही सरल विधि है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपके सभी प्रश्न के हल जो है वो सही जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, थोड़ा आप विचार कीजिए। आज की बात मैं अपने यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।